किया गया, लड़कियों को कल रात को बाहर भेज दिया गया, हमारे नेटवर्क पर जैमर्स लगा दिए, हमारा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। बिल्कुल जैमर्स लगा दिए, हम अगर बाहर कॉरिडोर में खड़े भी हो रहे हैं डिस्कशन के लिए तो हमें नहीं जाने, हमें खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा। और जब रात को आंटी आई तो उनका बोलना है कि फेक कॉल्स थी और बोल रही है कि पुलिस ट्रू कॉलर पर चेक करिए, जबकि इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता पुलिस ट्रू कॉलर पर, सीरियसली। और मैं पाई सी की ही लड़की हूँ, मैं नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना, बस चलो। मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़के ने, मैंने उनको स्टेटमेंट नहीं बता दिया कि बच्चे ने प्रैंक कॉल किया था। सर ये तो ये बोल रहे हैं कि इनको धमकाया जा रहा है कि जो भी बोलेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसी हालत में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये गलत स्टेटमेंट है। सर मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया यार, मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया गलत है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। सर हमें आने दिया है, गेट बात है, ये स्टूडेंट्स ने आगे धक्के से गेट रुकवाया, मीडिया को भी रोका गया। अगर इतनी बात पे सच्चाई है तो मीडिया को भी रोका गया। सर अभी भी आप अंदर हो, आप कैसे आए हैं धक्का मुक्की करके अंदर लेके आए हैं? सर मैं यहाँ पर गया, हमें पहले बोला गया, एसएचओ ने मना किया है, अब आप कह रहे हो कि आगे रोका नहीं गया, हमें बिल्कुल रोका गया। सर कल रात को बाहर भेज दिया गया, हमारे नेटवर्क पर जैमर्स लगा दिए, हमारा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मेरी बन रही है बिल्कुल जैमर्स लगा दिए, हम अगर बाहर कॉरिडोर में खड़े भी हो रहे हैं डिस्कशन के लिए तो हमें नहीं जाने, हमें खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा। और जब रात को आंटी आई तो उनका बोलना है कि फेक कॉल्स थी और बोल रही है कि पुलिस ट्रू कॉलर पर चेक